सो अभी हम लोग दुर्गापुर स्टेशन पहुंच चुके हैं, साथ में भाई है श्रीकांत। बहुत बदरी पानी का मौसम था, बड़े मुश्किल से पहुंचे हैं स्टेशन तक। बाइक वाइक रख दिए स्टेशन में मस्त आराम से, और अभी एक नया जर्नी का शुरुआत चालू हो चुका है। बस इस बार जहां जा रहे वो जगह बहुत ही सुंदर है, पारस नाथ, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। वैसे अभी रास्ते में और भी बहुत लोग मिलने वाले हैं, उन सभी से मैं आपका मुलाकात कराऊंगा। अब तक के लिए बने रहिए। दो दो लोकल एक साथ, अप और डाउन दोनों साथ साथ है पूरे। बारिश में आदमी लोग का भागना देख। ये हम लोग पारसनाथ में उतर चुके हैं। ये सुदीप, ये बुबाई का भाई, नाम क्या है सर? कौशिक। ये है कौशिक, ये सोलो नूतन, ये नया हम लोग के साथ ग्रुप में ज्वाइन हुआ है। इसको तो पहचान दी है, पूरा क्लीन हो गया है। वो मेरा भाई श्रीकांत, और ये पारसनाथ स्टेशन, और ये पारसनाथ स्टेशन। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे मधुबन, और उसके बाद वहाँ से पारसनाथ पहाड़ चढ़ने का चालू करेंगे। फिलहाल अभी तो रूम लेने का जाना है कि कहाँ कैसे रूम मिलेगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये है पारसनाथ के बाहर निकलते हुए हम लोग, बस हाँ हाँ अभी हम चले जा रहे हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, मस्त चाय वाय पियेंगे, उसके बाद गाड़ी लेंगे। और ये यहाँ पे सब कोई समोसा खाते हुए उतर, इधर मेरा भाई समोसा खाते हुए, इसको सिंगाड़ा बोलते हैं, इधर मेरा भाई खाते हुए। तो अभी हम लोग समोसा को एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का। वैसे यहाँ पे समोसा बहुत मस्त होता है, सस्ता है बस बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग सब टेम्पू लिए हुए हैं, यहाँ सब कोई टेम्पू में बैठा हुआ है। हालांकि अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, बट सब टेम्पू लिया हुआ है, उल्टा तरफ है। और देखिए ये मेरा भाई है, यह सत्य, यहाँ मस्त हंसता हुआ आँख में लाइट लेते हुए। यहाँ सुदीप भी है, और अब भाई का डेंजर लुक दिया रे। उधर कौशिक है, कौशिक, कौशिक भाई, कौशिक भाई, कौशिक है, दुल्हन, दुल्हन भाई, कोई दिक्कत नहीं, दुल्हन है। ये सभी दोस्त लोग, हम लोग अब पारसनाथ के एकदम सामने, और ये मधुबन का बाजार है, ये बाजार एरिया है मधुबन का। बस अब यहाँ पे रूम लेना है, और सब सुबह चढ़ाई करना चालू कर देना है पहाड़ के ऊपर। वैसे पारसनाथ स्टेशन से हम लोग मधुबन तक आए, रात का समय था तो थोड़ा किराया 500 रुपया पड़ा, बट आप लोग को अगर दिन में आएंगे तो किराया पड़ेगा पर आदमी 50 रुपये करके, रात के समय तो डबल चार्ज होता है। तो है ये हम लोग का खाना, मस्त रोटी पनीर और दाल तड़का। अच्छा हमको पता ही नहीं था, पनीर देखते हैं। तो भैया जी खाना वाना हो गया है, पेट पूजा मस्त, थाली चाट चाट के सबने खाया है। और ये देखिए और ये मस्त सुबह का आलू, सुबह हो चुका है। ये नीचे का मंदिर, और इधर सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम लोग अपने पारसनाथ की तरफ चलेंगे, मस्त पहाड़ चढ़ते हुए। सुबह का टाइम अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, बट बस ऊपर तक चढ़ना है और आपको मालूम पड़ जाएगा।
पहाड़ देखिए कितना मस्त लग रहा है। देखिए ये पहाड़, रात में पहाड़ देखते हुए एंट्रेंस गेट, और यहाँ से हम लोग चढ़ाई शुरू करते हुए बस अब पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो चुकी है, अब आगे चलते जाना है। कितना तकलीफ होगा, कितना क्या होगा, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। तो यह है एंट्रेंस गेट, और यहाँ से हम लोग पहाड़ की ओर चढ़ाई करना चालू कर चुके हैं। बस इसी में धीरे धीरे चलते रहना है और आप पहाड़ की पूरी चोटी तक यानी ऊपर तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे वो प्रसिद्ध मंदिर है पारसनाथ मंदिर। बस पता है ये जो पहाड़ है ना, इसको मैं बचपन से जब मैं ट्रेन से पार करता था तब मैं देखा करता था, और मुझे बचपन से सोचता था कि इस पहाड़ में क्या लोग चढ़ते होंगे। फिर जब आस्ते आस्ते बड़ा हुआ था मालूम पड़ा कि इस पहाड़ के ऊपर एक धार्मिक मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। और आज इस मंदिर में इस पहाड़ की चढ़ाई मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मतलब आप मेरे अंदर का सुकून समझ सकते हैं कि मैं भी कितना सुकून फील कर रहा हूँ। बस ऊपर तक पहुँच जाए शरीर और पैर सब साथ दे तो, और भगवान अजित नाथ 31 फुट प्रतिमा के दर्शन कर पुण्य अर्जित करें। नाइस, कलेकुंड धाम 1.5 किलोमीटर। वाह 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 वाह, क्या व्यू है भाई, मतलब क्या ही बोले। मतलब जंगल में शॉर्टकट लेते हुए मस्त एक शॉर्टकट सा लेते हुए देखते हैं ये शॉर्टकट कितना काम देगा। ये देखिए ये लोग भी मस्त शॉर्टकट में चढ़ते हुए। हमको कुछ बोल भाई, इतना मोटा शरीर लेकर चढ़ रहे हैं। हमारा भी डाउन हो रहा है, लेकिन मेरा कोई दोस्त है, हमको डर लग रहा है, पता नहीं ऊपर तक चढ़ पाएगा कि नहीं। भाई सुदीप को लेके देखो, है दुल्हन बहुत फुर्तीला है, बहुत पतला है, उसके आगे तो और पतला है, पता नहीं कहां से चला जा रहा है। शॉर्टकट मारना लाभदायक है। कलिकुंड तीर्थ धाम, इसका कलिकुंड तीर्थ धाम है ये। सो मंदिर तक पहुंचते हैं, ये मंदिर का प्रांगण है, मस्त हालत खराब हो गया है। सही बता रहे हैं, मतलब यही बताएंगे आपको। और ये पहला मंदिर जहाँ हम लोग पहुँचते हुए, यहाँ कुछ देर का आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चल पड़ेंगे मेन मंदिर के लिए। वैसे ये मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे जब सूरज की रोशनी उस मंदिर पर पड़ी तो फिर बहुत सुंदर लग रही है, और आसमान में अभी भी चांद दिख रहा है, मस्त बहुत ही सुंदर सा व्यू है। ये है पारसनाथ पे, जब आप चढ़िएगा ना, देखिए ये है प्यारा सा गेट जिस पे प्यारी सी कलाकृति की करल बा। देखिए ये भगवान गौतम बुद्ध है, कितना प्यारा है। अब देखिए गेट से जैसे इंटर मारेंगे आप लोग, देखिए प्यारा भगवान गौतम बुद्ध का, यहाँ पे जैन धर्म का एकदम प्यारा सा संगमरमर से बनाया हुआ एक खूबसूरत सा, देखिए सूरज भगवान जब उगत बाड़ा और हमने के चलने जा अंदर माथा टेकावल जाए, और हर एक मंदिर के आपके दिखावा थी कैसन कैसन बा, सब कुछ खूबसूरत।
जब आप पहाड़ की ओर चढ़ रहे होंगे ना, तो आपको ना इस तरह का शेल्टर, बहुत सारा शेल्टर मिलेगा जहाँ पे आप रुक सकते हैं। मतलब जैसे अगर बारिश के समय पे आप आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बारिश के समय पे आए हैं, तो अभी तो मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है कि आज बारिश नहीं हो रही। बट अगर आप ऐसे कभी ऐसे वेदर पे आते हैं जहाँ पे अगर बारिश हो, तो आप इस तरह का शेल्टर में रुक सकते हैं। इस तरह का शेल्टर बहुत जगह पे मिलेगा आपको, वहाँ कहीं हरा कलर का है जो बहुत सुंदर सा शेल्टर है। और इस जंगल का व्यू देख रहे हैं, मतलब सूरज निकल चुका है और अभी टाइम 5:35 हो रहा है, 5:35 टाइम हो रहा है और सूरज देखिए, मतलब पूरा आंखों में लग रहा है पूरा जोर जोर से एकदम, मतलब क्या ही बताएं, मतलब इतना जल्दी। एक्चुअली हम लोग तो खुद पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, मेन बात तो वही है। और जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और तो हम लोग ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो इसी के लिए ना सूरज बहुत जोर से आंखों में लाइट मार रहा है। हो सकता है कैमरा में कैद नहीं हो रहा होगा, बट मतलब उसके तरफ ना भी देख पाना भी बहुत नामुमकिन जैसा हो रहा है। देखिए अगर दिख नहीं था कैमरा में बट, और ये रास्ता देख रहे हैं आप, मतलब क्या ही गजब सुंदर सा रास्ता है। मतलब आप ये वाला व्यू और दृश्य देखिए, और मैं बोला कि ये रास्ता चलते हैं पक्का वाला से, बट ये लोग का मन है कि ये जंगल रास्ता में जाएंगे। तो अब जंगल रास्ता में जाते हैं, लेकिन मेरा दोस्त सत्या पीछे, वो पता नहीं कहाँ, उसको वो खोज नहीं पाएगा हम लोग को। यार ऐसा मत कर यार, खोज नहीं पाएगा वो। ये शॉर्टकट तो है यार अच्छा वाला, वैसे चलिए। पत्थर भी है वैसे, अभी हम लोगों को कुछ देर पहले सांप दिखा था, पता है आपको। मतलब जंगल है, बरसात का टाइम है, तो वो तो स्वाभाविक बात है कि सांप दिखना अनिवार्य है, मतलब वो तो दिखना जरूरी है, क्योंकि दिखना ही हो गया वो उसको, तो दिख गया। और सुदीप भाई साहब, भाई साहब मजा आ रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलना है ना? बस 2 किलोमीटर हुआ है, 2.5 किलोमीटर कुछ बोलना है? हाँ। सर, मैं जिस चीज़ के बारे में बता रहा था ना कि वो हरा रंग का जो शेल्टर मिलता है, वो ये देखिए, अगर बरसात का टाइम आप आ रहे हैं तो पैदल आना बहुत अच्छा होगा, कोई गाड़ी वाड़ी ना करें। मेरा दोस्त लोग है, देखिए सब लाठी लेके तीर्थयात्री लोग जा रहा है ऊपर में चढ़ने के लिए। ये तो जन्नत दिख रहा है हमको। ए अब रुक जाओ, वो लोग बहुत नीचे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा नीचे हैं। और ये मस्त जंगल वाला एडवेंचर करते हुए हम लोग, मतलब इतना मस्त जंगल वाला एडवेंचर हो रहा है ना कि आपको क्या ही बताएं। मतलब उतना घूम घूम के आप तो चढ़ सकते हैं, बट आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट लीजिएगा ना उतना फ़ायदेमंद है, बट आपको ना इस जंगल को भी महसूस करना पड़ेगा और इसको देख के समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अब है तो जंगल और यहाँ कुछ भी हो सकता है। सो एडवेंचर तो हो रहा है, और ये शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फेंस है। वेल यहाँ तक तो चढ़ गए हम लोग, और ये मस्त डाउन, ये जंगल वो पहाड़ और जंगल ही जंगल, ये खूंपू करते हुए। और वो जो आपको दिख रहा है ना पहाड़ के ऊपर, बस वहीं तक जाना है, तब से चढ़ाई कर रहे किए जा रहे किए जा रहे हैं, उसकी दूरी देखना है कितनी दूर है अभी, और बाप रे बहुत दूर है। और चलिए कोई बात नहीं।
पैसों का लगाओ। सच में प्रकृति का नज़ारा देख के ना सच में बहुत अद्भुत है। बस आप घर से निकालिए और घूमिए, देखें कितना प्यारा लग रहा है। देखिए लाल बंदर, लाल यहाँ पे आपको बंदर दिखेगा मस्त। और ऊपर में आपको इस तरह बहुत सारे दुकान दिखेंगे जहाँ पे आप पानी बिस्किट उस्किट चाय वाय पी सकते हैं। सो आपको इस तरह यहाँ बहुत सारा दुकान पाठ दिख जाएगा रास्ते में। उसी चोटी में चढ़ना है और ये जो बादल आप देख पा रहे हैं ना उस पहाड़ को छू रहा है, देख पा रहे हैं ना ये बादल उस पहाड़ को छू रहे हैं, बस वहीं तक जाना है। सो गाइज हम लोग सीढ़ी चढ़ के तो आ गए हैं, बट आगे जो सीढ़ी आपको दिख रहा है ना वो सीढ़ी आप समझ सकते हैं मतलब बहुत चढ़ना है अभी सीढ़ी। अब तो यहाँ से सीढ़ी चालू हुआ है, तब से उतना हम लोग ढलान चढ़ रहे थे। और ये व्यू देख रहे हैं, बाप रे बाप, सच में आई लड़का को देख रहे हैं कहाँ फोटो खिंचा रहा है। सो একদম পাহাড় কা টপ চটি। से जाना है थोड़ा सा और ऊंचाई पे जाना है, उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। देखिए तो फिर टावर दिखाने के लिए पारसनाथ का पहाड़ का टॉप मोस्ट हिल, यहाँ पे आर्मी कैंप है। बड़े दोस्त लोग देखिए, मेरा फुल टावर है सब लोग, यह बादल दिखा रहा था इतना ऊपर है कि कहा ही बोले, जैसे लग रहा है कि आसमान में घुस गए। इधर से पानी का बछार आ रहा है। एक मस्त चीज है, अभी यहाँ नीचे आप देख रहे कोहरा है, पूरा बादल है, और वो जो मंदिर देख रहे हैं ना ऊपर में, वहाँ पर रोशनी है, मतलब ऊपर में धूप है और नीचे पूरा पानी गिरने का बादल बना हुआ है। और अभी हम लोग बादल के भी ऊपर है, यहाँ बादल आप देख सकते हैं पूरा ही बादल ही बादल है। देखिए ना तो मेरा तो का प्लास्टिक वाला था। देखिए यहाँ पे चाचा नींबू पानी दे रहे हैं आराम से पीने के लिए, जो भी आएगा है भी पिएगा, एकदम एक नंबर का पानी है। बादल लोग कहाँ से उठ रहा देख रहे हैं, आग के सामने दिख रहा है। और इतना मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचते हुए टॉप पूरा टॉप तक, ये पूरा टॉप है। और भाई उधर देख एक बार, चारों तरफ सिर्फ मेघ ही मेघ है, चारों तरफ सिर्फ मेघ। रास्ता दिख रहा है सामने, चारों तरफ सिर्फ मेघ ही मेघ है, सिर्फ बादल ही बादल,
और ये हम लोग फाइनली पूरे पीक तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या ही बताएं, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी। सो वो जो लास्ट आप देखें ना, वो जो पीक है वहाँ पे, वो है चंद्रप्रभू टॉक, और वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिलहाल हम लोग अभी उस तरफ नहीं जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं जल मंदिर की तरफ, और जल मंदिर यहाँ से नीचे डाउन में है। तो जल मंदिर घूमते हैं और यहाँ से पासनाथ घूमेंगे, पासनाथ मंदिर, और उसके बाद फिर घर की ओर चलेंगे, क्योंकि तो इतना ऊपर आते आते बहुत थक गए, बट ये व्यू नहीं मिल पाता, वो बादलों के बीच पहाड़ पर चढ़ना, और ये जो बादल आप देख पा रहे हैं, देखते ही बनता है बस। अभी इस फीलिंग को कैमरे के थ्रू उतना समझा पाना तो मुश्किल है, बट जब आप इतनी कष्ट वाली चढ़ाई चढ़ के जब आप देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि पारसनाथ लोग क्यों आते हैं, और यहाँ पे क्यों इतना सुकून है, इतना आनंद है, मज़ा आता है। लोग बादलों के बीच में मंदिर में घूमते हुए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बादल यहाँ पर से गुजरते हुए अगर मैं आप लोग देख पा रहे हो तो हल्का हल्का दिख रहा है, और ये देखिए बादल, ये है मंदिर का व्यू, इसको जल मंदिर कहते हैं, पानी के बीच घिरा हुआ ये मंदिर है। अचानक पूरा एकदम बादल आ गया, और वहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा था ना, वो अचानक पूरा ढक गया। ব্যাপার হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারবে না, বাইরে বাইরে হয়তো ঘুরতে পারবে। यह पारसनाथ, चारों तरफ बादल, कोहरा जैसा पूरा भरा हुआ, पहाड़ दिख नहीं रहा। चलिए हो जाएगा, 4 बजे तक लगता है। क्या हुआ, क्या बक बक आपने अपने और ये हम लोग फाइनली पारसनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। बस और कुछ सीढ़ियां और पारसनाथ मंदिर, बस और कुछ सीढ़ियों की बात है। यहां से स्नो देख, पूरा बादलों के पीछे मंदिर। हम जब आए थे यहाँ कॉइन चिपकाता था इस जगह पे, अभी पता नहीं बंद है। बस चलेंगे, बस
भी है इतना ऊपर चढ़े इतना कर सके 10 मिनट वेट कर लिया। उतरने में सिर्फ 2-3 घंटा लगेगा हम बोल रहे ना, देखो बोल रहे ना कि 10 बजे तक पहुंच जाएगा। ये हम लोग बादलों के ऊपर वादियों के पार कुछ भी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ये हम लोग बादलों की ऊंचाई पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। क्या कहना चाहते हैं बादल के ऊपर आकर, बादल के ऊपर आकर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बादल के ऊपर आकर क्या कहना चाहते हैं? कभी सोचे थे आप बादल के ऊपर आइएगा? पीस मिल रहा है, पीस इनको स्वर्ग मिल गया। बिलीव और नॉट दिस प्लेस इज लाइक अ हेवन, बहुत सुंदर जगह है। ये बादल का बस चलेंगे 5 मिनट दस मिनट वेट कर लिया अगर ये बादलों को नहीं मेरे के लिए पकड़ लूंगा सर छूले जब तो स्पर्श कर लू जल्द जल्द तो स्पर्श करो मतलब उसमें प्रार्थना का कॉइन चिपकाया जाता था जहाँ पर पैक कर दिया उसको किसी को वहाँ पर देखिए एक तो मंदिर मतलब हनुमान जी का जैसा एक तो ये बना है उस पर बादलों का फोटो ले और ये हम लोग वादियों के बीच अभी कहाँ गया है वो अरे रास्ता नहीं है अरे पर्वत पे चढ़ा है दिमाग खराब है पहाड़ में चढ़ा था देख हम लोग उधर भी हेलीपैड ना हो वही हेलीपैड अरे इधर से रास्ता इधर से इधर होके उधर से वहां देखिए मुझे देखने तेरा फोटो खींचा है कितना रिस्क लिया है।